नमस्कार साथियों, भारत में 2000 कैंसर के मरीजों पर महज एक डॉक्टर है। भारत में हर 10 कैंसर के मरीजों में से 7 की मौत हो जाती है, जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं होता है। विकसित देशों में 10 में से 4 लोगों की मौत होती है, जबकि भारत में 10 में से 7 लोगों की मौत हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक दुनिया भर में कैंसर से हर मिनट 17 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, कैंसर जो है वो एक जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी के साथ इसका इलाज भी तकलीफदेह होता है। गरीब देश में हर 15 में से एक बच्चे की मौत कैंसर का सही इलाज नहीं मिलने के कारण से हो जाता है। इसका खुलासा लैंसेट ऑन्कोलॉजी जर्नल में पब्लिश एक रिसर्च में हुआ। रिसर्च में कहा गया कि गरीब देशों में कैंसर पीड़ित 0 से 21 साल तक के 45% बच्चों को सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने से या ट्रीटमेंट में कॉम्प्लिकेशन आने से बच्चे मर जाते हैं, जबकि यही आंकड़ा विकसित देशों में 3 से 5% है। मतलब जहां गरीब देशों में 45% बच्चे मर जाते हैं कैंसर की वजह से, वहीं विकसित देशों में 5% बच्चे मरते हैं कैंसर की वजह से। रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर से पीड़ित 90% बच्चे गरीब देशों में रहते हैं और यहाँ उनके जीवित रहने की संभावना 20% से भी कम होती है। देखिए दोस्तों, गरीब देशों में सही इलाज न मिलने और ट्रीटमेंट में कॉम्प्लिकेशन आने की कई कारण हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट का महंगा होना, इलाज में लाखों रुपए तक खर्च होते हैं, लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। भारत में देखें तो कैंसर के इलाज का खर्च जो है 5 लाख से 27 लाख तक पहुँच जाता है। वहीं साउथ अफ्रीका जैसे देशों में यह खर्च 51 लाख तक पहुँच जाता है। दोस्तों, कैंसर होने का कुपोषण जो है वह भी एक कारण है। गरीब देशों में कुपोषण का रेट काफ़ी ज़्यादा है, बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाते हैं, जिससे उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इस कारण से भी शरीर कैंसर से लड़ नहीं पाता है, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम कमज़ोर रह जाता है। UN की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 5 साल से कम उम्र वाले 4.5 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार है, यानी उन्हें सही पौष्टिक आहार नहीं मिला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक दुनिया में हर साल करीब 1 करोड़ लोग कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले तथ्य यह है कि 2010 की तुलना में 2019 में करीब 21% ज़्यादा लोगों की मौत कैंसर से हुई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 में 1 करोड़ लोगों की मौत कैंसर से हुई थी। हालांकि अब कैंसर का इलाज संभव है, बशर्ते वो सही समय पर डिटेक्ट हो जाए। WHO की रिसर्च के मुताबिक लगभग 1/3 कैंसर तंबाकू खाने से होता है। तंबाकू अगर आप किसी भी फॉर्म या रूप में ले रहे हैं, जैसे चाहे वो सिगरेट हो, गुटखा हो, तो भी यह आपके सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। आज लगभग 80% लंग के कैंसर धूम्रपान के कारण होते हैं। दोस्तों, WHO के मुताबिक कैंसर से जूझ रहे दुनिया के 20% बच्चे अकेले भारत में हैं। भारत में हर घंटे 6 बच्चे कैंसर के मरीज बन रहे हैं। 50,000 बच्चे हर साल भारत में कैंसर के शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बड़ों की तुलना में बच्चों को कैंसर से बचाना ज़्यादा आसान है, फिर भी भारत में 49% बच्चों को इलाज ही नहीं मिल पाता, क्योंकि अधिकतर अस्पताल में उनके इलाज की व्यवस्था और डॉक्टर ही नहीं है। यही वजह है कि जहां अमेरिका में 80% बच्चे कैंसर से बचा लिए जाते हैं, 20% को नहीं बचा पाता है। वहीं भारत जैसे देशों में 30% बच्चे को बचा लिया जाता है, जबकि 70% बच्चों की मौत हो जाती है, क्योंकि उन्हें नहीं बचा पाता है। दोस्तों, भारत में हर साल लगभग 13 लाख लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का आकलन है कि 5 साल में देश में 12% की दर से कैंसर मरीज बढ़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कम उम्र में कैंसर का शिकार होने की है। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार कम उम्र में कैंसर की सबसे बड़ी वजह हमारी लाइफस्टाइल है। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के आंकड़ों के अनुसार 50 साल की उम्र से पहले ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और थायराइड कैंसर सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। भारत में ब्रेस्ट कैंसर, मुंह के कैंसर, गर्भाशय और फेफड़ों के कैंसर के सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा 33% कैंसर तंबाकू से होता है। 20% कैंसर मोटापा के कारण होता है। 16% कैंसर वायरस के कारण होता है। 15% जेनेटिक के कारण होता है। 5% पोषण की कमी के कारण होता है। 5% फिजिकल एक्टिविटी से दूरी के कारण होता है। 2% अल्ट्रावायलेट रेज के कारण होता है। दोस्तों, भारत में 2017 में 12,93,534 कैंसर के मरीज थे, जिनमें 6,60,492 महिलाएं थीं और 6,32,042 पुरुष थे। 2018 की बात करें तो 2018 में भारत में 13,25,232 कैंसर के मरीज थे, जिनमें 6,77,627 महिलाएं थीं और 6,47,605 पुरुष थे। वहीं 2019 की बात करें तो 2019 में भारत में 13,58,415 कैंसर के मरीज थे, जिनमें 6,95,072 महिलाएं थीं और 6,63,343 पुरुष थे। 2020 में भारत में 13,92,179 कैंसर के मरीज थे,
जिसमें 712,758 महिला थी और 679,421 पुरुष थे। और ऐसा अनुमान है कि 2025 में भारत में कुल 15,69,793 कैंसर के मरीज होंगे, जिनमें 8,06,218 महिलाएं होंगी और 763,575 पुरुष होंगे। वो एक बहुत बड़ी चिंताजनक आंकड़ा है दोस्तों। दोस्तों कैंसर होने का एकमात्र कारण कुपोषण ही नहीं है, इसके और भी कई कारण हैं। धूम्रपान, सिगरेट या बीड़ी के सेवन से मुंह, गला, फेफड़ा, पेट का कैंसर होता है। तंबाकू, पान, सुपारी, पान मसाला एवं गुटखा के सेवन से मुंह, जीभ, खाने की नली, पेट, गला, गुर्दा और अग्नाशय यानी पेनक्रियाज का कैंसर होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।